खबर राजस्थान के राजसमंद से आ रही है। एक धर्मशाला की छत बरबराकर गिर गई और इसमें 13 लोग दब गए हैं। मामला देर रात्रि का बताया जा रहा है, जब सभी लोग सोए हुए थे इस दौरान धर्मशाला की छत बरबराकर गिर पड़ी और इसमें कुल 13 लोग नीचे दब गए। मलबे के हटाने के दौरान सभी लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें 5 लोगों के मरने की प्रशासन ने पुष्टि कर दी है। देर रात्रि हुए इस हादसे के बाद आज सुबह तक लगातार रेस्क्यू जारी रहा और ऐसे में 5 लोगों के मरने की जो पुष्टि हुई है, यह हादसा बेहद दर्दनाक रहा है। बता दें कि देश के विभिन्न भागों में बारिश का कहर जारी है, लेकिन हालांकि जब भी बरसात का मौसम आता है उस दौरान विभिन्न विभाग द्वारा पुराने इमारतों को लेकर मॉनिटरिंग का काम किया जाता है, लेकिन ऐसी क्या बड़ी चूक रहती है कि इसके बाद भी इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं। आज जो घटना हुई है इससे हम सभी को अभी भी सावचेत होना ज़रूरी है। जो हादसा हुआ है बेहद दर्दनाक है। इस हादसे में जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है उनका इलाज जारी है, लेकिन दर्दनाक हादसा ये रहा कि इस घटना में कुल 5 लोगों की मरने की प्रशासन ने पुष्टि की है। बचाव और राहत के कार्य अभी भी लगातार जारी हैं, लेकिन जो लोगों को निकालने के लिए जो रेस्क्यू चलाया गया है वो अब पूर्ण हो चुका है। राजसमंद से यह सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, जैसा कि इस बरसात में विभिन्न तरह की घटनाएं देखी जा रही है, लेकिन पुरानी इमारतों को लेकर हम सभी को भी सावचेत होना बेहद ज़रूरी है। कोई नाम है आप? मिठू लाल। कई हादसों कई भी हो सर, मतलब सुबह में छतर नीचे भी भलिया और हमें खोल माँ कोई गया, मतलब चेक करवा गया, मतलब जैन आवा, मतलब जैन मतलब बैठे जा अपने आप से पड़ी गई से। हाँ, साफ सफाई साहब को कोई मतलब मान नहीं देगी, कोई आए बैठे कोई कोई कि भाई बेटे मेरी साहब को कचरा वसरा ना साफ करवा दिया, दो पाँच मिनट बेटे हाँ तो अपने आप का जो ध्यान सरई बनी सरई 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 बन गई, मतलब रास्ता रहा बात रहे बड़े ये, मतलब कोई और भी 12 लोग आए बेटे, बेटी हुई बेटी बने साथ सामूहिक बनाए वहाँ सब न मल्ली गांव वाला चिकलवास रहे। हाँ, मैं भी चिकलवास गाँव के ही हो चिकलवास किसान सामाजिक लेवल में, मतलब सामूहिक संग्रह लिए, मतलब कौन से समाज से? साली समाज। राजसमंद के इस घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, ताकि इस तरह के हादसों को लेकर जनता की राय भी समय समय पर इस तरह की खबरों के साथ सामने आ सकें।